हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। कल नोबल पुरस्कार 2018 का जो फिजियोलॉजी का फील्ड है, यानी कि मेडिसिन का जो फील्ड है, उसके नोबल प्राइजेस की घोषणा हुई है। दो लोगों को ये दिया जा रहा है। आइए जानते हैं हम कि उनको ये नोबल प्राइज क्यों दिया जा रहा है और किन किन को ये नोबल प्राइज दिया जा रहा है। देखिए, हमारी एनसीईआरटी की जो समरी है क्लास 8, 9 और 10 की, हर एग्जाम में आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। सिर्फ 59 रुपीज़ की है। नीचे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, नोबल प्राइज़ जो है ये दो लोगों को दिया गया है। इनमें हमारे जो एक जेम्स पी एलिसन है और तासुकु होंजो है, ठीक है। तो ये इनको पुरस्कार जो दिया गया है वो पुरस्कार दिया गया है कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण खोज के लिए। इन्होंने कैंसर में जो प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करने वाले तत्व होते हैं उनकी रोकथाम करके कैंसर का इलाज करने की महत्वपूर्ण खोज की है। एक्चुअली कैंसर के जो जो प्रतिरोधक हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको जो तत्व कमज़ोर करते हैं तो उनको ख़त्म करने की इन्होंने कोशिश की है। इन्होंने ऐसे प्रोटीन का आविष्कार किया है जो उनको ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो जेम्स पी एलिसन ने एक ऐसे प्रोटीन का अध्ययन किया जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए रुकावट का काम करता है, ठीक है। और उन्होंने उस अवरोध को हटाने की क्षमता को महसूस किया और रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को ट्यूमर पर, यानी कि जो कैंसर का ट्यूमर है उस पर हमला करने के लिए आज़ाद कर दिया, ठीक है। और उनकी ये खोज इस खोज ने कैंसर पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एक नए नज़रिए का विकास किया है, ठीक है। देखिए, आपको पता होगा कुछ आउटस्टैंडिंग रिसर्च जो होता है उसके लिए नोबल प्राइज़ हमेशा दिया जाता है, चाहे वो मेडिसिन का फील्ड हो, चाहे वो केमिस्ट्री का फील्ड हो, चाहे वो फिजिक्स का फील्ड हो, ठीक है। तो ये एक आउटस्टैंडिंग है। कैंसर का जो इलाज है वो अभी तक संभव नहीं था, लेकिन इसके बाद आगे जो इसमें रिसर्च होगा तो हो सकता है कि जो कैंसर का इलाज है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके, मतलब कैंसर को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। ऐसे जो क्योटो यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं तासुकु होंजो, इन्होंने भी एक प्रोटीन की खोज की है और ये जो प्रोटीन है ये रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के लिए अवरोध का काम करता है। मतलब दोनों लोगों ने लगभग लगभग सेम रिसर्च इसमें किया हुआ है। इन्होंने अपने शोध से पता लगाया है कि ये प्रोटीन रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को कैंसर के ट्यूमर तक पहुँचने से रोकता है, यानी कि वो जो कैंसर का ट्यूमर है तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता कोशिकाओं तक, ठीक है। लेकिन इसके काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। इस खोज पर आधारित इलाज पद्धति से कैंसर के खिलाफ लड़ने में अभूतपूर्व सफलता मिली है और इन दोनों वैज्ञानिकों को जो पुरस्कार राशि के तौर पर $1.01 मिलियन यानी कि लगभग 7.5 करोड़ रुपये भारतीय रुपयों में मिलेंगे। और 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में किंग्स कॉल गुस्ताफ के हाथों एक औपचारिक कार्यक्रम में इनको ये इनाम दिया जाएगा। तो ये दो नाम जो हैं ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जेम्स पी एलिसन और तासुकु होंजो। ये दोनों लोगों को बिल्कुल आप रट लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2017 के जो मेडिसिन के नोबल प्राइज़ थे उनके बारे में। तीन वैज्ञानिक थे, अमेरिका के जेफ्री सी हॉल, माइकल रोसवॉश और माइकल डब्ल्यू यंग। इनको मानव शरीर की जो आंतरिक जैविक घड़ी है उस विषय पर किए गए इनके शोध के लिए 2017 का चिकित्सा का नोबल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। और आंतरिक जैविक घड़ी जो है उसको सर्किडियन रिदम के नाम से जाना जाता है और इनकी खोजों में इस बात की व्याख्या की गई थी कि जो पौधे हैं, जानवर हैं या इंसान किस प्रकार अपनी आंतरिक जैविक घड़ी के अनुरूप खुद को ढालते हैं ताकि वे धरती की परिक्रमा के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। यानी कि ये जो जैविक घड़ी है ये हार्मोन के स्तर, नींद, शरीर के तापमान और अपचय जैसे जैविक कार्यों को प्रभावित करती है। और तीनों वैज्ञानिकों ने उस जीन को अलग करने का काम किया जो रोजमर्रा की जैविक स्थिति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और ये जो जीन है ये उस प्रोटीन को परिवर्तित करने का काम करते हैं जो रात के समय कोशिका में जम जाती है, फिर दिन के समय बहुत ही छोटा आकार ले लेती है। तो इन वैज्ञानिकों को करीब $11 लाख की जो पुरस्कार राशि थी वो दी गई थी। तो दोस्तों, ये था पूरा हमारा 2017 और 2018 का नोबल प्राइज़ मेडिसिन के फील्ड में। जैसे जैसे नोबल प्राइज़ दे दिए जाएंगे, घोषणा कर दी जाएगी, मैं आपको एक वीडियो इसका देता जाऊंगा जिसमें हम 2017 का और 2018 का नोबल प्राइज़ डिस्कस करेंगे। 2017 का जो नोबल प्राइज़ था हमने ट्रिक के माध्यम से पिछले साल बनाया था और इस बार भी 2018 का हम आपको ट्रिक के माध्यम से इसका बना के देंगे जब सारी नोबल प्राइज़ की घोषणा हो जाएगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साहित्य है, साहित्य का नोबल प्राइज़
इस बार नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा लगभग 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि साहित्य का नोबेल प्राइज इस बार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि इनमें से किस फील्ड में साल 2018 का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। बाकी नोबेल प्राइज के बारे में और वीडियो उसमें बना चुका हूँ, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। नोबेल प्राइज NS एजुकेशन आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।